नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम ऋषि और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक किसान हैं या फिर एक बेरोजगार युवा हैं, यानी आप अभी तक बेरोजगार हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर निकल के आ रही है कृषि विभाग की तरफ से। यानी कि इस काम को आप करके कृषि विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं, साथ में आप जो है कृषि विभाग में काम कर सकते हैं, काम करने का मौका आपको मिल रहा है। बिहार के लिए ये रिक्रूटमेंट है, साथ में अगर आप किसान हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये खेती से रिलेटेड ही है। जब आप जान रहे हैं कि कृषि विभाग में ये रिक्रूटमेंट है तो ये खेती से रिलेटेड है, तो आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है, क्या आपको मिलेगा, साथ में इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको कहां पे अप्लाई करना है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके, और इस वीडियो को लास्ट तक का देखिए ताकि इसमें आपको हर एक चीज समझ में आए और आप किस प्रकार से कीजिएगा ऑनलाइन आवेदन ये भी आपको समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये वीडियो। दोस्तों, जिस तरह से कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे जो कंप्यूटर स्क्रीन पे है वो एक न्यूज़पेपर का जो है आर्टिकल खुला हुआ है, यानी कि ई न्यूज़पेपर खुला हुआ है। तो इसी में मैं आपको दिखाने वाला हूं वो रिक्रूटमेंट, साथ में मैं इसमें पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा कि उस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया होगी, क्या क्या क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, साथ में आपको कितना पे करेगी सरकार और किस प्रकार से आपको उसे लेना है। तो जिस तरह से कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि दैनिक जागरण का जो है पेपर खुला हुआ है, अगर आप दैनिक जागरण का पेपर लेते हैं या नहीं भी लेते हैं तो 7 फरवरी का जो है आप दैनिक जागरण का पेपर लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। दैनिक जागरण के पेपर में राजधानी जागरण जो होता है वहां पे आप आने के बाद आप जब नीचे देखिएगा तो आपको एक आर्टिकल दिखेगा यहां पे कृषि विभाग, यहां पे आप जिस तरह से देख पा रहे होंगे कि कृषि विभाग ग्रामीण युवाओं के को रोजगार का सुनहरा अवसर। अब जो है इस आर्टिकल को मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ कि इसमें आपको क्राइटेरिया क्या क्या है, आपको क्या क्या फुलफिल करना होगा, यानी क्या क्या आपको चाहिए जिससे कि आप यहाँ पे आवेदन कर पाइएगा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि आपको इसमें क्या क्या भरना पड़ेगा। दोस्तों, जिस तरह से कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो जो फॉर्म है वो मैंने अभी खोल रखा है। अब मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ कि आपको सबसे पहले क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आपको फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है। तो सबसे पहले जिस तरह से कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ऊपर दिया गया है कि ये उद्देश्य क्या है, ये काम क्या है। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये काम क्या है, तो ग्राम स्तर मिट्टी जांच प्रयोगशाला, जो मिट्टी जांच के लिए प्रयोगशाला यानी कि लैब बनता है, वो लैब आपके ग्राम में बनाने के लिए, आपके गांव में बनाने के लिए सरकार आपको कुछ पैसे देगी और कुछ पैसा आपको इन्वेस्ट करना होगा। हालाँकि जो पैसा है वो बहुत ही ज़्यादा सरकार दे रही है, यानी कि लगभग 3-3.5 लाख रुपया आपको दे रही है, तो इसमें इन्वेस्ट करने का कोई बात ही नहीं है। लेकिन सरकार के नज़र से आपको इसमें जो है 1,25,000 रुपया इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूं कि इसमें इन्वेस्ट का कोई भी बात नहीं है, सरकार इतना पैसा आपको दे रही है कि आप उतना सामान आसानी से खरीद सकते हैं। सबसे पहला जो इसका उद्देश्य है, क्या क्या इसका उद्देश्य है वो लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार एवं किसानों के आय में वृद्धि करने के लिए जो है ये मिनी लैब खोला जा रहा है, यानी छोटा सा लैब खोला जा रहा है आपके गाँव में। उसके बाद है कि ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार का सृजन, यानी जो ग्रामीण ग्राम के युवा हैं यानी जो बेरोजगार युवक हैं उनको जो है रोजगार भी इससे मिलेगा, यानी आपके लैब में कुछ काम करेंगे उससे रोजगार मिलेगा, और साथ में जो आप यानी कि आप ले रहे हैं अगर आप बेरोजगार हैं तो उसमें आपको भी फायदा है और आपका भी एक रोजगार बन जाएगा। साथ में मृदा परीक्षण में आने वाले समय को कम करना, यानी जो पहले मिट्टी में जो परीक्षण करने के लिए जिला जाता था, जिला में जाने में बहुत टाइम लगता था और वहाँ से आने में अच्छा कम से कम आप समझ लीजिए तो 1-2 मंथ का टाइम लगता था, तो उसको कम करने के लिए ऐसा कराया गया है। तो अब इसके लिए अगर आप करना चाहते हैं आवेदन, आप समझ लिए कि ये सब होता है, उसके बाद अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन इसमें कौन कौन कर सकता है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। तो एग्री क्लिनिक, यानी कि अगर आप किसी प्रकार का जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्लिनिक चला रहे हैं, यानी ये आप जो है किसी प्रकार का दुकान चला रहे हैं, अगर आप जो होता है फर्टिलाइजर बेचता है वो दुकान भी चला रहे हैं तो भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्री बिजनेस यानी जो दुकान जिस तरह से मैंने बताया वो, उसके बाद कृषि उद्यमी यानी कोई कृषि से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो, भूतपूर्व सैनिक कोई अगर सैनिक है तो वो ले सकता है इसमें, यानी कि आप जिस तरह से कि ऊपर में देख पा रहे हो कि सभी प्रकार के आदमी इसमें आवेदन कर सकते हैं। साथ में अगर आप किस कोई कंपनी है या किसी आपका कोई कंपनी है तो वो कंपनी के मदद से भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और उस लैब को ले सकते हैं। आवेदन में आपको क्या क्या लगने वाला है, तो आवेदक कम से कम द्वितीय श्रेणी यानी सेकेंड डिवीजन में जो है विज्ञान विषय से
मैट्रिक में पास होना चाहिए, यानी मैट्रिक को उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा उसे कंप्यूटर की जानकारी, कंप्यूटर की जानकारी इसमें मैट्रिक रखा गया है, जो कंप्यूटर की जानकारी है वो आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। आप किसी भी प्रकार का इसमें कंप्यूटर का जो है कोर्स लगाइए, ये नहीं है कि इसमें कंप्यूटर का DCA ADCA कुछ इस प्रकार का एडवांस खोज रहा है, यहाँ पर आपको खोज रहा है कि कंप्यूटर की जानकारी हो। जो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता मिशन वाला चला था, अगर वो भी आप लगा देते हैं तो उसमें भी काम हो जाएगा आपका, तो कंप्यूटर का जानकारी आपको होना ज़रूरी है। अब इसमें आता है कि आपको जहाँ पे आप लैब खोल रहे हैं वो आपको जो है लैब खोलने का जगह होना चाहिए, यानी कि कम से कम आपका 4 जगह होना चाहिए, नहीं तो आपको 4 साल के लिए किसी भी जगह को लीज पे लेना है या रेंट पे लेना है, कम से कम 4 वर्ष यानी 4 साल आपको उसमें लीज पर होना चाहिए, तभी आपको ये मिलेगा। लीज का कागज़ आपको देना पड़ेगा, अगर आपका खुद का है तो कोई भी लीज का कागज़ यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। अब जो है इसमें कि आप किस प्रकार से आप जमा कर पाएंगे, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि इसमें आपको जमा किस प्रकार से करना है। तो आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है, जिस तरह से कि मैट्रिक का मार्कशीट हो गया, आपका एक प्रमाण पत्र हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ में जो आपका हो गया बैंक पासबुक, ये सारी चीज़ें को लगाकर, और साथ में जो मैंने बताया था कि कंप्यूटर का कोर्स का कम से कम एक जो है कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट आपको इसमें देना होगा, तो इन सारी चीज़ों को आपको जमा कर पहले ले लेना है। उसके बाद यहाँ पर जिस प्रकार से अभी आप देख पा रहे हो कि एक यहाँ पर फॉर्म खुला हुआ है, इस फॉर्म को भी आपको फिल कर लेना है और इसे प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद इस फॉर्म को फिल करके और वो जितने भी डॉक्यूमेंट है उन सारे डॉक्यूमेंट को लगा के आपको आपके जिला के जो कृषि पदाधिकारी का कार्यालय होता है, यानी DO साहब का जो कार्यालय होता है, वहाँ आपको जाना है। वहाँ पे जाने के बाद इस फॉर्म को वहाँ पे जमा करना है। अब इस फॉर्म का जमा करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है, मैं ये बता देता हूँ। जो इस फॉर्म को जमा करने की लास्ट डेट 25 फरवरी है। अब इसमें आपको सहायता किस प्रकार से मिलेगी सरकार से, जिस तरह से मैंने बताया कि पैसा कितना मिलेगा, किस प्रकार से पैसा मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है 75% पैसा जो है आपको सरकार देगी और 25% पैसा जो है वो आपको आप यानी लाभुक जो ले रहे हैं, यानी अगर आप ले रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। तो इतना जान लीजिए कि 75% पैसा आपको जो है सरकार देगी। अब इसमें जो सरकार मान के चल रही है खर्च वो 5 लाख रुपया है, तो अगर आप 5 लाख रुपया में अगर 75% सरकार दे रही है, अगर आप 25% दे रहे हैं तो आप 1,25,000 रुपया आपको देना होगा। तो ये समझ लीजिए, अब ये जो पैसा है ये आपको सरकार को पे नहीं करना है, इसमें जो आपका सामान है वो सामान खरीदने के लिए इस पैसे को यूज करना है, यानी इस पैसे में आपको उतना सामान खरीदना है। 5 लाख का सामान जो है वो सरकार आपको दे रही है, तो इसमें सरकार को पैसा 1 भी रुपया नहीं देना है, आपको सीधे सामान खरीदने के लिए ये राशि दी जा रही है। अब इसमें सामान क्या क्या खरीदा जाएगा, जिस तरह से कि अभी आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार का सामान आपको खरीदा जाएगा। अगर आप अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पूरी तरीके से पढ़िए कि इसमें क्या क्या सामान है और किस प्रकार से आपको पैसा दिया जा रहा है। हो सकता है कि इसमें बहुत सारा सामान, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर, स्कैनर हो गया, ये सारा चीज़ जो होता है नॉर्मल बहुत सारे लोगों को घर में होता ही है, यानी घर नहीं अगर दुकान चला रहे हैं तो पक्का से होगा, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बच जाएगा और इसमें लगभग आप 1,00,000 रुपया मान के चल सकते हैं कि आपको बचत ही हो जाएगा, तो आपको पैसे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इसमें। अब इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है वो भी आप देख लीजिएगा। अगर इस फॉर्म को चाहिए आपको, अगर ये फॉर्म चाहिए, अगर आप ये भरना चाहते हैं, तो नीचे लिंक आपको मिल जाएगा दैनिक जागरण का जो है ऑफिशियल जो साइट है, ये जो आप देख पा रहे होंगे, इस साइट का मैं लिंक दे दूंगा। लिंक पे आप क्लिक करके आप डायरेक्ट इस साइट पे चले जाइएगा और यहाँ पे जो है आने के बाद आप जो है इस पे क्लिक करके यहाँ पे व्यू इमेज करने के बाद, जिस तरह से कि मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, आपको यहाँ पे व्यू इमेज करने के बाद आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको सेव इमेजेस पे क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना और इसका प्रिंट आउट आपको निकलवा लेना है। आप जिस प्रकार से प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं उस प्रकार से इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको सेव करके प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसको आपको भर के आपके जो है वहाँ पर आपको जमा कर देना है, यानी कृषि पदाधिकारी के कार्यालय में आपको जमा कर देना है 23 तारीख 25 फरवरी से पहले पहले। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।